मेरा नाम रविंद्र है जी और मैं गांव बेरी का रहने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट जज्जर हरियाणा से हूँ। 25 साल जो पहले खेती करते थे जी, उसके अंदर जो कुर्डी वगैरह का खाद डालते थे जी और बुल्दों की इनकी बाई होया करती थी बैलों की, तो हमारा थोड़ा बहुत अनाज होता था जी, अच्छा अनाज होता था, उसके अंदर बीमारियाँ नहीं होती थी। ये जी बात 93 की है जी, मैं खेती कर रहा था जी, मेरी ज़मीन में खेती कम लगी हुई थी जी, पड़ोसी की खेती ज़्यादा थी। तो जी मैंने उससे पूछा, अब ये क्या आपने कर दिया, ये केमिकल डाला क्या डाला है? वो बोले अभी केमिकल डालते हैं हम, तो तू क्या डालता है? मैं तो ये डालता हूँ भाई, कम डाला है ये। तो बोले भाई केमिकल डालो, तो वो कट्टा डाला, तो मैं 2 कट्टे डाले तो मेरी फसल उससे अच्छी हुई। ये खाद यूरिया से DAP से इनसे ज़मीन ख़राब होगी जी, ज़मीन हमारी ख़राब होने लगी, तो ज़्यादा डालना पड़ा, तो ज़मीन उपजाने कारण तो ज़्यादा डालना पड़ेगा। उसमें जी ज़्यादा मैं खाद डालता था जी, कीड़ा ज़मीन में लगता था जी, उसमें कीड़ा लग के ज़मीन में वो गिर जाता, पैसा ज़्यादा लग जाता। केचुआ ज़मीन से ख़त्म हो गया जी, केचुआ होता था तो वो मिट्टी को खाते थे जी और वो खाद बनाते थे जी, फौला ज़मीन को करते थे, उपज अच्छी होती थी। अब ये रासायनिक खाद ऐसा डाला जी, उसने सब खत्म कर दिया ज़मीन का। तो जी मैंने वो मिट्टी की जांच कराई तो जो भी 80% जहर बताया, उसमें अनाज में सब चीज़ों में जहर ज़्यादा होने लग गया। तो जब बाद में हम ये जो अभी पूछा, तो भाई ये जहर क्यों होया, तो इसी खाद की वजह से जहर होया जी हमारी खेती में। देखो जी गेहूँ भी हमारा ख़राब हो जाता था जी, उसमें रंग खराब हो जाता था, उसमें भाव कम लगता था, उसने सोचने पे मजबूर कर दिया जी हमारे को, फसल अच्छी नहीं होएगी तो हम क्या करेंगे, घर के हालात तो बिगड़े रहे थे जी, अनाज कम होएगा तो घर से कहाँ खाने के लिए कहाँ से आएगा। ऐसा है जी हमारे 5 एकड़ में 50 मण गेहूँ होते थे, तो उसमें हम 5-5 की कट्टा डाल देते थे जी इसका केमिकल का। तो अब वो 5-6 साल तो जी अच्छा होया, अब वो कम होने लग गया, तो अब वो घर का खर्चा कम चलने लग गया, कम चलने लग गया तो पैसा कहाँ से आएगा, तो उसमें गरीबी आ गई जी, ज़मीन हमारी बंजर हो गई। उसको देख के जी घर वाले भी कहने लगे, तो भाई ये क्या होया, खर्चा कहाँ से आएगा, उपज कम हो गई ज़मीन की। हमने जी खाने पीने में किसी चीज़ में अपना खर्चा कम करके अपना काम चलाया। वो एक भाई था जी हमारा, उसने बताया भाई ये गलेज का काम, ये खाद है अपना डाल के देख खेत में, अच्छा हो जाएगा। तो जी हमने 3 साल से ये खाद डाला है, तो हमारा खेत अच्छा हो गया जी, अब उपज अच्छी देने लग गया। देखो जी खेत में ये गलेज का खाद डालने से हमारे को फायदा मिला जी, हमारे केचुए कीड़ा वगैरह वापिस आ गया, ज़मीन अच्छी हो गई और उपज बढ़ गई, परिवार के खर्चे निकलने लगे और 2 पैसे पास में भी रहने लगे और जी बीमारियां भी हट गई। इससे केमिकल से बीमारियां ज़्यादा हो गई थी, अब कोई बीमारी नहीं रही है। 3-4 साल से मैं ये खाद डालता हूँ और जी हम गन्ना की भी खेती बोते हैं और जी बाड़ी भी बोते हैं, उसके अंदर स्प्रे ये सब यूज करते हैं जी। जी अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी पूछा मेरे से, तू क्या डालने लगा, तो मैंने उनको बताया तू भाई ये ग्लेज वाला खाद डालो, अच्छी फसल होने लगेगी। और जी 10-20 जमींदारों ने ये मेरे से खाद वगैरह पूछा, तो उनने ये डाला है, उनको भी अनाज अच्छा है और जी अनाज मंडी में भी पैसा ज़्यादा मिलने लग गया और अनाज भी रंग में साफ है और मोटा दाना अच्छा दाना है जी। ग्लेज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और जी इनमें इस्तेमाल करते हैं बीज लगाने के समय, जैसे सुडो है उसको लगाते हैं बीज में, उसको लगाने के बाद में खेत में बीज में कोई कीड़ा नहीं होता जी, कीड़ा नहीं होएगा तो हमारा बीज पूरा जमेगा, खेत में पूरा जमेगा तो हमारी उपज ज़्यादा होगी। उसके बाद डालते हैं जी हम GVM और GC पावर डालते हैं खेत बुआई करते समय,
और बीज को बो देते हैं। मैं जी जैविक का तो इसका ग्लेज का इस्तेमाल करता ही हूँ खेती में तो, और इसका बिजनेस भी करता हूँ और भाई लोगों को बिक्री करता हूँ, दो पैसे की आमदनी होती है, परिवार में खुशियाँ आती हैं। अपनी मिट्टी है, इसको सारे भाई बचा के रखेंगे तो ये बच पाएगी। इसमें अच्छा डालो खाद, जैविक वाला ये खाद डालोगे ग्लेज वाला, तो अपनी धरती माता को हम बचा पाएंगे, सब भाई मिलकर बचाओ। Mm-hmm.